अगर आप डाइट कर रहे हो तो ऐसी कुछ नई सी रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहती हूँ, बिकॉज डाइट पे हम लोग वही बोरिंग चीज़ें खाते खाते बोर हो जाते हैं और फिर डाइट को छोड़ देते हैं। बस मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ मेरे चैनल पर, जिससे आप आपकी डाइट को कंटिन्यू रख सकते हो, प्लस आपकी हेल्थ का ख्याल रख सकते हो। तो आई होप जो रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ वो आपको पसंद आती होगी। लाइक कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसे ही अपलोड करूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स ग्रीन पीस टिक्की। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो ओट्स होते हैं उसे ले लिया है। अगर इसकी जगह पे आपके पास रोल्ड ओट्स हैं उसे भी आप ऐसे ही डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जो है पानी, और इसको हम लोग 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो ओट्स है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और टिक्की बनने में आसानी हो। और अगर आप इसको पाउडर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तब तक हम लोग अपने जो ग्रीन पीस वटाने लिए हैं जो अभी सीज़न में अवेलेबल है, इसे मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर। इसकी रिटर्न रेसिपी भी आपको मिल जाएगी मेरे वेबसाइट पर। थोड़ा सा ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा धनिया, इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना है आपको, अगर आपको लग रहा है तो एक दो चम्मच पानी ऐड कर लीजिए। ये देखिए हमारा जो ओट्स है 10 मिनट के बाद कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है सोक होने के बाद। इसको हल्का सा और मैश करेंगे हम लोग स्पून की सहायता से, ताकि ये जो सॉफ्ट हुए ओट्स है थोड़े से पतले पतले हो जाए। अब हम लोग ने जो पेस्ट बनाया था उसे इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 2 चम्मच ऐड करेंगे बेसन, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। 1/2 टेबल स्पून जितना ज़ीरा ऐड करेंगे, अगर ज़ीरा पाउडर है तो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ पर टेस्ट, और इन सभी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एकदम तीखा मसालेदार नहीं बना रही हूँ, पर कुछ इंटरेस्टिंग है जिसको आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा और आपकी डाइट जो है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज ये आप अगर आप डायबिटिक हो या वेट मैनेजमेंट जर्नी में हो तो डेफिनेटली ये सारी रेसिपीज़ है जो आपको हेल्प करती है वेट लॉस करने में। आप इसको लंच में, डिनर में, कभी भी आपका जब भी मन करे आप इसको खा सकते हो, या इवनिंग स्नैक्स में इसको ले सकते हो। ये परफेक्ट रेसिपी है, ऑल टाइम आपको सूट करती है, और इसको खाने के बाद आपको बहुत टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी। तो ये देखिए इन सभी को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसका जो कंसिस्टेंसी है ऐसा ही थिक रहना चाहिए कंसिस्टेंसी। और अब जो है हम लोग चलते हैं डायरेक्टली पैन की तरफ। ऐसी थोड़ी जो है कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा सा हम लोग घी ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसको बिना घी के बनाना चाहते हो या ऑयल के आप बना सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये देखिए करीबन 1.5 टेबल स्पून जितना बैटर में ऐसे छोटे छोटे टिक्की साइज़ में पोर कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। दूसरा भी हम लोग बना लेते हैं। और आप इसे एज अ चटनी के साथ सर्व करना चाहते हो, किसी भी तीखी चटनी के साथ, तो आप सर्व कर सकते हो। ये देखिए एक बार में मैं इसमें 3 टिक्की बना रही हूँ, और ये बहुत ही मतलब आप खाओगे 3 से 4 टिक्की बहुत ही हैवी हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल डिनर में या लंच में 2 चपाती और राइस खाते हो और उसकी जगह पे आप इसको रिप्लेस कर रहे हो, तो आई होप कि आप 4 से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, बिकॉज़ ये थोड़े हैवी भी हो जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं खाने में। आपको बहुत टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी इसको खाने के बाद। और आप इसे दाल के साथ भी खा सकते हो, लाइक मैश करके, या डायरेक्टली आप दाल के साथ इसको डिप करके खा सकते हो। मैं इसे ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ चटनी के साथ, या नॉर्मली मैं ऐसे ही कभी कभी खा लेती हूँ। लाइक मैंने जैसे आपसे बहुत सारे मल्टीपल चिलास की रेसिपी शेयर की है, जो इंडिविजुअल रेसिपी आपको उसके किसी के जॉइंट सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इसको ढक करके पका लेंगे हम लोग दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक ये अच्छा सा कलर इसका चेंज ना हो जाए। और अगर आप वटाना ग्रीन पीस की जगह पे कोई और वेजिटेबल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल वेजिटेबल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपको टर्न कर करके इसमें पका लेना है।
और ऐसी ही मल्टीपल रेसिपीज़ मैंने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, जिसे आप जाकर वॉच कर सकते हो, आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टिक्की है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसको फटाफट हम लोग गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अगर आप बाद में खाना चाहते हो तो खा सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते या ऐसे नरम नहीं पड़ जाते, ऐसे ही रहते हैं। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल ना भूले, लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट कर रखी है। इसे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कुकुम्बर और थोड़ी सी मूली के साथ। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली रेसिपी में। टिल देन बाय।